ये मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, आपके बच्चे आपके हैं और जिसके साथ आप कंपेयर करोगे वो कितने भी अच्छे होंगे फिर भी वो आपके नहीं होंगे। इसलिए बच्चों को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। एक बार दो दोस्त बात कर रहे थे जिन्होंने अपना बचपन साथ गुजारा, साथ साथ पढ़े, साथ साथ बड़े हुए, लेकिन एक जो है वो कामयाब था और दूसरा दोस्त जो है वो उतना कामयाब नहीं था। उन्होंने पूछा कि क्या बता सकते हैं कि ये क्या कारण है कि हम साथ में ही पढ़े, एक जैसे ही जिंदगी जिए, तू आगे निकल गया और मैं नहीं निकल पाया। उसके दोस्त ने कहा कि हाँ, मैं एक बात जो है वो तुझे बता सकता हूँ। मैंने हमेशा देखा है कि जब भी कोई काम तू करता था, तेरे पेरेंट्स, तेरे माँ बाप तुझे किसी और के साथ कंपेयर करते थे। हमेशा कहते थे कि देख हमारे पड़ोस में जो लड़का रह रहा है उसने कैसा किया, जबकि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा तुम्हें सपोर्ट करते थे, हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाते थे। कमजोरी हो फिर भी वो ये कहते हैं कि ये चीज़ तुझे इस तरीके से करनी है, मगर कभी उस लोगों ने ये नहीं कहा कि देख ये पास वाले लड़का जो है वो कितना अच्छा कर रहा है। ये मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, आपके बच्चे आपके हैं और जिसके साथ आप कंपेयर करोगे वो कितने भी अच्छे होंगे फिर भी वो आपके नहीं होंगे। इसलिए बच्चों को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। हर एक बच्चा अपनी एक काबिलियत के साथ आता है, उस चीज़ को स्वीकारिए और यही जिंदगी में वो कितना आगे बढ़े या ना बढ़े वो बात की बात है, लेकिन उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। ओम नमः शिवाय।